अरे चिंटू नहीं लगता उठा है। अरे चिंटू बेटा, चिंटू बेटा, अरे उठ जाओ, टाइम हो गया, स्कूल जाना है। उठ रहा हूँ पापा, उठ रहा हूँ, 2 मिनट रुको, ठंड लग रही है। आजकल के बच्चे भी कैसे हो गए हैं, स्कूल इन्होंने जाना, पढ़ना इन्होंने, टेंशन हमें हो रही है। एक हमारा जमाना था जो है ना, हमारे माता पिता को पता ही नहीं होता था कब हम नहा धो के स्कूल चले जाते थे। अरे चिंटू बेटा, अरे चिंटू बेटा देख, 7:45 बज गई है, स्कूल की बस आने वाली है। अरे आज संडे नहीं है क्या? अरे स्कूल जाना, जल्दी कर, जल्दी फटाफट नहा धो के तैयार हो जाओ फटाफट। अरे यार, ये रोज रोज स्कूल जाना करना बड़ा बहुत टेंशन वाला काम है। चलो हाथ मुंह धो के चला जाता हूँ। मम्मी, खाना रेडी कर दो, बैग लगा दो मेरा, स्कूल में लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है पापा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे बेटा स्नान नहीं किया? अरे पापा, रोज रोज कौन स्नान करता है, आजकल का ट्रेंड ही ये चल रहा है, रोज रोज नहाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ठंड अरे चल रही है बेटा, इतनी। स्नान नहीं करेगा तो विद्या कैसे आएगी? हमारे सारे शास्त्र, सारे वेद कहते हैं स्नान करोगे तो विद्या आएगी। अरे शास्त्रों में ये भी लिखा है, भगवान कहते हैं कि मन साफ होना चाहिए, तन साफ की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा नहीं, जब यशोदा मैया किशन को कह रही थी बेटा प्रसाद खा ले, स्नान कर ले पहले, उसने क्या कहा था? मन साफ होना चाहिए, तन की साफ होने की जरूरत नहीं है। पापा भूल रहे हो, अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। बताओ, आजकल के बच्चों को तो कोई बात कह ही नहीं सकते। हाँ भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, अपनी सुना, तू सब अरे ठीक मेरी है? तो ठीक है। तेरी ठीक है? हाँ लग तो नहीं रही। कुछ अरे ठीक लग रही है भाई, खाने दाने पीने की व्यवस्था करी कि नहीं करी? बिल्कुल है। निकाल, कहाँ है? क्यों, ओहो खाली यही, ये इससे बनेगी बात? बनेगी? कहाँ बनेगी, देख ये धुएं का इंतजाम तो मैंने कर रखा है, तू चखना भी नहीं है, पूरा भी नहीं है, चखना भी लो, कैसे आएगा? हाँ चखना भी लो। अच्छा, इसको और दो दोस्त मिल रहे हैं। और क्या हाँ, चल रहा है? क्या बात है? और भाई कुछ अकेले है? अकेले या इंतजाम भी है? अरे चिंता ना मानो, सब इंतजाम है अपने पास। देसी अंग्रेजी अरे बढ़िया वाला चलेगा, बढ़िया वाला मजा आएगा। बढ़िया वाह वाला वाह, ना? देखा कैसा। ओहो क्या बात है, हरी वाली तो पहली बार देखी मैंने। हाँ यार, विदेशी मदिरा हाथ लग गई यार। विदेशी मदिरा हाथ लग गई है, बहुत हाँ यार, बढ़िया मजा लेगा। भाई, चखना निकाल अब तू। तो गिलास गिलास तो लगा लो, और गिलास निकालो। गिलास कहाँ है? गिलास ये रहा। यार नमकीन समकीन कुछ? नमकीन भी लो। हाँ पूरा मजा लेंगे यार। बनाओ भाई, पैक बनाओ, पैक बनाओ। चलो चलो चलो, हाँ बहुत बढ़िया, चलो लगाओ। भाई क्या बात है भाई, पार्टी शार्टी चल रही है। अरे बबलू भाई, कैसे हो? तो भी मैं चले, आप भी पार्टी में शामिल हो जाओ भाई। वो तो बात ठीक है, पर ये तो भाई बात बढ़िया है, हम अकेले ना पीते। अच्छा हम पिएंगे तो तुझे भी पवाएंगे। अच्छा हम तो कोई बात नहीं, हम तो पी लेंगे भाई, लेकिन बात ये है भाई, पी रहे हो वो तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन ये सोचो कि भाई यहाँ पे जो गंदगी फैला रहे हो, जितनी गंदगी फैल रही है भाई, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी तो सोचो पहले। इतनी बुद्धि होती तो हम पी काय को रहे होते। अरे यार तुम्हारा, तुम्हें यार अपने काम से काम है यार, बाहर में जाए जनता अपना काम बनता बस। और भाई कोई बात नहीं, मस्ती करो, मस्त रहो मस्ती में, आग लगी बस्ती में। सर अंदर आऊं? हाँ जी आ जाइए। कौन? नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर हमारे चाचा की 2 दिन पहले मृत्यु हो गई थी, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, और कुछ इंश्योरेंस का काम रुका हुआ है, तो सर वो सर्टिफिकेट बनवाना है हमें उसका। दिखाओ फाइल जरा। ठीक है, हो जाएगा, कल आ जाना। ठीक है सर, थैंक यू। सर अंदर आए। कमिंग। अरे कौन? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। बोला था कल सर फाइल के लिए बोला था आपने। ओके डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है ठीक है, दिखाओ। अधिकारियों के लिए भेज दिया है मैंने, सिग्नेचर होने बाकी हैं। जी सर। 5 दिन बाद आओ। जी सर, ठीक है सर। सर अंदर आए।
हाँ जी आ जाइए। कौन सर? वो फाइल के लिए बोला था आपने 5 दिन के बाद आना, तो वो हो गई फाइल सर रेडी? अरे नहीं, वो फाइल रेडी नहीं हुई अभी, अधिकारी साइन वगैरह नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा फाइल में कुछ कमी है, उसमें कागज़ लगेंगे, उसमें कुछ खर्चा भी है, तभी हो पाएगी वो रेडी। हो जाएगी ना सर वैसे? हाँ खर्चा के बाद हो जाएगी, कुछ कागज उसमें एक्स्ट्रा होंगे। आजकल के अधिकारी लोग भी घूस से पैसे से काम करते हैं, किसी गरीब को देखते नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ वो काम रोज रोज डोलने से तो अच्छा है, रोज किराया भाड़ा लग रहा है कि काम हो जाए। चलो ठीक है, लो सर हो जाएगा काम। हाँ कल 10 बजे आके ले लेना, मेरा पियोन होगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, करवा देना सर जरूर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। पंडित जी राम राम। राम 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 बचाओ भी चिरंजीव भव। पंडित जी मेरा मन बहुत अशांत रहता है और मन बड़ा मैला रहता है, इसके कारण घर में लड़ाई झगड़े गृहस्थी में बीवी बच्चों में बहुत अशांत रहता है, इसका कोई उपाय बताओ। अच्छा आपका तो मन काफी मैला हो चुका है, इसको तो जरूर साफ कराना पड़ेगा आपको। इसका कोई उपाय बताइए। उपाय तो है, कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या? देखो ऐसा है, इसके लिए ना आपको जो है ना यज्ञ कराना पड़ेगा। अब आप देखिए 5100 वाला यज्ञ कराते हैं, 11000 वाला कराते हो या 1 लाख वाला कराते हो? अब देखो भैया 5100 वाला कराओगे तो उसका थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, 11000 का कराओगे तो उसका बहुत ज्यादा मिलेगा, और 1 लाख का कराओगे तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे, आपका मन फिर कभी मैला नहीं होगा, क्योंकि जितना गुड़ डालते हैं उतना ही तो मीठा होगा। हे भगवान, मैं तो अपना मन साफ कराने थे, यहाँ तो खुद ही पंडित जी का मन इतना मैला है, वो मेरा मन क्या साफ करेंगे। शांति, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी आर्टिस्ट के लिए, जितने भी कलाकार यहाँ मौजूद थे जिन्होंने बड़े मन से बड़े दिल से बड़े उमंग उत्साह से बड़े प्यार से आप सबके लिए सुंदर नुक्कड़ नाटक तैयार किया। देखिए इसमें हम सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहे हैं आपको, आपने देखा पहले ही नाटक के अंदर एक छोटा सा बच्चा तन की स्वच्छता के लिए मना कर रहा है, आज हम नहाना धोना पसंद नहीं करते क्योंकि सर्दी वैसे ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी तन को अगर स्वच्छ रखते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा हमें काम करने की शक्ति प्रदान करती है। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से 3-4 लोग मिलकर इस हमारे भारत देश को गंदा कर रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए इस भारत का एंजॉयमेंट खराब कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही हम सब चीजों का उपयोग करें लेकिन अपने आसपास ऐसी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी से ही बीमारियां पैदा होती हैं और वही बीमारी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, और एक घर का व्यक्ति जब बीमार होता है तो हमारी सारी आमदनी सारा खर्चा उसके अंदर लग जाता है, सारा पैसा डॉक्टरों के पास चला जाता है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे आसपास गंदगी फैले। और तीसरा, फिर आपने देखा कि एक व्यक्ति किस प्रकार रिश्वत लेके दूसरा काम कर रहा है, वो भी एक गंदगी एक पोल्यूशन है जो कि हमारे समाज को हमारे भारत को हमारे विश्व को गंदा कर रहा है, ऐसा भी हमें काम नहीं करना है, हमें भ्रष्टाचार नहीं फैलाना है। चौथा, आपने देखा मन की सफाई, किस तरह हमें अपनी मन की सफाई करनी चाहिए, आजकल लोग पैसा हजारों रुपया खर्च करके भी मन की सफाई नहीं कर पा रहे। तो आइए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, आप सभी इस सुंदर से प्रदेश के लिए ये मैसेज लेके आए हैं कि एक राजयोग, सहज राजयोग 7 दिन का फ्री निशुल्क कोर्स सिखाया जाता है, जिससे हम बाहर का ही नहीं अपने अंदर का भी पोल्यूशन समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हमारे ही भीतर सद्गुण है, हमारे ही भीतर अवगुण है, हमारे ही भीतर अच्छाई है, हमारे ही भीतर बुराई है, लेकिन हम कहते हैं कि एक पेड़ से 1000 माचिस की तीलियां बन जाती हैं, लेकिन एक ही तीली पूरे जंगल को साफ कर देती है। इसी प्रकार एक ही संकल्प, एक ही विचार पूरे देश की गंदगी को मिटा सकता है, और अगर एक ही विचार हमारे अंदर बुरा होगा तो वो हमारे आसपास गंदगी भी फैला सकता है। तो आइए एक संकल्प स्वच्छ भारत का, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया स्वच्छ भारत अभियान, और उसमें आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का चश्मा लगाया हुआ है और नीचे लिखा है स्वच्छ भारत अभियान। तो वो चश्मे का ही क्यों सिंबल दिया गया कि नजर बदलो तो निजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और हर व्यक्ति अपने आप को बदलना सीख ले तो मैं कहता हूं भारत ही नहीं, ये विश्व ही नहीं, पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प, एक विचार,
जैसे एक तीली जंगल को जलाती है, ऐसे हम एक विचार उत्पन्न करें, अपने अंदर भाव पैदा करें और पूरे भारत देश को नहीं, पूरे विश्व को नहीं, अपने भी जीवन को स्वच्छ बनाएं। इसी मैसेज के साथ आप सभी के बीच में बहुत ही दूर दूर से अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में आए हैं और बहुत ही अच्छा मैसेज लेकर आपके बीच में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आप सभी के बीच में। तो आइए निरंतर हमारे साथ बने रहिएगा और इस संकल्प के साथ हमारी पूरी टीम आप सबका स्वागत करती है, आपका अभिनंदन करती है, आपका हार्दिक स्वागत करती है। ओम शांति। आइए हमारे बीच पवन भाई आ रहे हैं। हमारे भ्राताओं ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। इसका लक्ष्य ये है कि हम अपने जीवन को कैसे स्वर्णिम बनाएं। उस स्वर्णिम बनाने का मौका अभी आपको साप्ताहिक दिन में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को के द्वारा आपको मिल रहा है, जहां प्रतिदिन आपके पास आपके वार्ड में हर दिन ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हर वार्ड में जाएगा और स्वच्छता के इसी प्रकार के कार्यक्रम करेगा और साथ ही साथ गांव में भी दिन में जा जाकर हमारे गांव को कैसे हम सशक्त बनाएं, हमारे किसानों को कैसे सशक्त बनाएं, इसके कार्यक्रम होंगे। और शाम को प्रतिदिन हर एक विंग का यहां प्रोग्राम है, जहां आप आकर लाभ ले सकते हैं। स्थान है आनंद सरोवर वृंदावन गार्डन के पास, शिवपुर रोड। ओम शांति।